इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा अपने विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर को कैसे सेट कर सकते हो, कैसे चेंज कर सकते हो अपने प्रोफाइल पिक्चर को। जैसे कि अगर आप विंडोज आइकन पे क्लिक करोगे और यहाँ पे आपको प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाता है जैसे कि आपके अकाउंट का, और इसके अलावा अगर अपने कंप्यूटर को रिस्टार्ट करते हो तो वहाँ पे लॉक स्क्रीन में भी आपको प्रोफाइल पिक्चर शो हो जाता है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप अपने विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हो। विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर को सेट करने का, चेंज करने का जो स्टेप्स है बहुत सिंपल है। तो इस वीडियो में आपको जो भी स्टेप्स बताऊंगा वो सारे स्टेप्स आपको अच्छे से ध्यान से फॉलो करना है बिना किसी पार्ट को स्किप किए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बॉटम में विंडोज वाले आइकन पे क्लिक करना है, उसके बाद यहाँ पे आपको सेटिंग्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, और सेटिंग्स में आपको अकाउंट्स वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। तो अभी यहाँ पे मेरे विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर सेट नहीं है, तो अगर आप यहाँ पे अपने प्रोफाइल पिक्चर को चेंज भी करना चाहते हो तो भी सेम ही स्टेप्स हैं। और यहाँ इस वाले विंडो तक आने के लिए मैं आपको दूसरा मेथड भी बता देता हूँ। सिंपली यहाँ पर आपको विंडोज आइकन वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, उसके बाद प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे आपको चेंज अकाउंट सेटिंग वाला ऑप्शन शो हो जाएगा। सिंपली आपको इस पर क्लिक करना है, तो यहाँ से भी आप डायरेक्ट इस वाले विंडो तक आ सकते हो। अब यहाँ पे प्रोफाइल पिक्चर को चेंज या सेट करने के लिए यहाँ पर आपको क्रिएट योर पिक्चर का ऑप्शन मिल जाता है। इसमें आपको दो ऑप्शन दिए गए रहते हैं, कैमरे से ब्राउज फॉर वन। यहाँ पे आप कैमरे से डायरेक्ट फोटो क्लिक करके प्रोफाइल पिक्चर सेट कर सकते हो अपने विंडोज अकाउंट में। और दूसरा जो है ब्राउज फॉर वन, यहाँ पे आपने कंप्यूटर में कोई फोटो सेव करके रखा है तो यहाँ से आप वो फोटो को सेट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं दूसरा ऑप्शन को चूज कर लेता हूँ। उसके बाद अपने कंप्यूटर में जहाँ भी वो फोटो सेव करके रखा होगा यहाँ से आपको वो फोटो को सेलेक्ट कर लेना है। अब उसके बाद आपके कंप्यूटर के विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर सेट हो जाएगा। अब आप अपने कंप्यूटर को जब भी रिस्टार्ट करोगे तो वहाँ पे लॉक स्क्रीन में जो प्रोफाइल पिक्चर होगा वहाँ पे आपने जो भी सेट किया होगा प्रोफाइल पिक्चर वहाँ पे वो शो होगा। जैसे कि आप वीडियो में देख सकते हो जो मैंने अभी सेट किया यहाँ पर वो प्रोफाइल पिक्चर शो हो रहा है। इसी तरह से अगर आप प्रोफाइल पिक्चर को चेंज करना चाहते हो तो आपको सेम स्टेप्स करना है। कैमरा या ब्राउज फॉर वन वाले ऑप्शन पे आना है और आपको फोटो को चूज करके आपको फोटो सेट कर लेना है। इसके अलावा आप यहाँ पे भी देख सकते हो आपका जो प्रोफाइल पिक्चर है सेट हुआ है या नहीं। तो जैसे कि आप देख सकते हो जो प्रोफाइल पिक्चर है वो सेट हो चुका है सक्सेसफुली। तो इसी तरह से आप अपने कंप्यूटर के विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर को सेट या फिर चेंज कर सकते हो। उम्मीद करता हूँ वीडियो में मैंने आपको जो भी स्टेप्स बताया होगा विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर को कैसे सेट या चेंज करते हैं वो सारे स्टेप्स आपको समझ में आ गया होगा। और अगर आपको वीडियो में कोई स्टेप समझ में नहीं आया, अपने विंडोज अकाउंट में प्रोफाइल पिक्चर को सेट करने या चेंज करने में आपको कोई प्रॉब्लम हो रही है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और इस वीडियो के अलावा अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज, कोई डाउट है तो भी आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हो। और ये वीडियो आपके लिए यूजफुल इन्फॉर्मेटिव रहा तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब करिए।